नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पे देखिए, मैं बाजार गई थी जैसा पहले आपको वीडियो में दिखाया था। फ्राइडे वाले दिन की वीडियो है ये, स्टार्टिंग से। और यहाँ पे मैं लेके आई थी गुड्डू के लिए गिफ्ट, उसके लेके आई थी इयररिंग। उसने ना कई दिन से अपने निकाले हुए गोल्ड के हैं, वैसे उसके हल्के से मतलब नग से ही हैं, ज्यादा बड़े नहीं है, तो वह उसने निकाल रखे। कभी कभी वो निकाल देती है। तो यहाँ पे मैं उसके सिल्वर के ही लेके आई, स्टोन के। और उसका जो होई का गिफ्ट लेके आई, मैं कहा चलो वो पहन भी लेगी, उसे अच्छे भी लगेंगे। वो ज्यादा बड़े नहीं पहनती, बाली वगैरह उसे पसंद नहीं है, तो वो ही पहनती है। हालांकि इसके पास बाली भी है, उसकी नानी ने दी थी जब वो हुई थी, लेकिन फिर भी वो नहीं पहनती। उसको ये टॉप्स वगैरह ही अच्छे लगते हैं, हल्के से मोती के। तो यहाँ मैं आज उसके लिए लाई हूँ। और ये गुड्डू तो ना, वो ईशू के तो अभी कान छिदे हुए नहीं है, ईशू के तो लेके नहीं आई। ईशू से मैं फिर आके पूछ रही थी, मेरा बेटा क्या लेगी तू, क्या लाऊँ तेरे लिए गिफ्ट होई के नाम का? तो उसने कहा नहीं मम्मी, मुझे नहीं कुछ चाहिए, मुझे तो बस आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए। तो मैं तो कहना फूल का कुप्पा सी होगी, इतना सा कहने से ही बहुत अच्छा लगा। इतनी छोटी होकर इतनी बड़ी बात कहना, कोई छोट मतलब कम नहीं है। यहाँ का काम मेरा हो गया है सारा। और आज मैं गुड्डू का गिफ्ट लाई, देखो गुड्डू देखे पहना दिया मैंने उसको, उसके इयररिंग लेके आई। कैसे लगे? अच्छी है, ये स्टोन वाले ही है तो चंदी गई। और मैं कही इसके ना, इसने अपने जो गोल्ड वाले है तो वो भी स्टोन वाले ही कई दिन हो गए निकाल रखे थे। तो आज मैं वो लेने गई थी ना, वहाँ सुनार की दुकान पर गई थी, तो मैंने सोचा चल ले लूँ। और अब मैं चल रही ऊपर, कपड़े धोए पड़े सुबह के ऊपर बहुत सारे, तो सुबह से तो बस रेल बन रही, टाइम नहीं लगा। देखो चारों साइड कपड़े ही कपड़े हो रहे, उधर भी और उधर भी देखो। और मुझे नू हो रहा, मैं मेरी साड़ी का रंग ना उतर जा, वैसा तो मैंने छाँव में फैलाई थी। तो चारों साइड कपड़े ही कपड़े, तो इनको उतार दूँ। अब तो सूख गए, वैसा तो अभी यह नहीं है कि ज़्यादा धूप आवे, कलर तो उड़ता नहीं, लेकिन फिर भी तारने तो आई, तो उतार के रख देती हूँ सारे कपड़े। देखिए मैंने अपनी साड़ी भी धोई थी ना आज, अच्छी लग रही। देख पड़ी हुई दो तीन कलर हैं इसमें, तो अच्छी लग रही है। ऊपर तो पल्लू हुआ तो मरजेंटा सा ही आ रहा, अंदर तो ये सारा, तो अच्छी लग रही है जी। कपड़े मैंने उतार लिए, ये रखे हैं कुर्सी पे, काफी सारे कपड़े हो रहे थे आज। और जो ये बेड शीट है और मेरी साड़ी है, तो इसकी मैंने तय बना ली, मैं इनको मैं ले जा रही नीचे, इनको बाद में ले जाऊंगी। ये साथ साथ तय कर दी, क्योंकि फिर इन मसल बटनी आने के, और फिर वो कुर्सी पर रखती और भी ज्यादा हो जाते कपड़े, इस वजह से मुझे उचकी आ रही बहुत, पता नहीं कौन याद कर रहा होगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और शाम का टाइम हो गया, 5:30 बज गया, क्या 5:40 हो चुके हैं, ये देखिए। और अब मैं जा रही हूँ बाजार, थोड़ा सा कल का जो पूजा का सामान है वो लेके आना, और लाने हैं होई के बर्तन, जो बर्तन भरे जाते हैं ना वो लाने। तो सुबह ही फिर मुझे ज़्यादा दिक्कत रहेगी मंगाने में, फिर कभी दुकान भी देर से खुलती है। और मैंने सोचा चलो अभी सारा अपना कंप्लीट कर लूँगी, और इंदु के भी नहीं आए, तो मैं कहा अपने भी ले आऊँगी और इंदु के भी, और दोनों ही लेके आऊँगी। और बस ईशु जा रही है मेरे साथ, और इसके पापा यहाँ आए नहीं आज, जाती तो उनका वेट कर रही थी काफ़ी देर से, मैं कहा आ जाएंगे, लेकिन वे कह रहे कि अभी 1 घंटा और लगेगा बाहर गए हुए में। तो इस वजह से फिर मैं और ईशु जा रहे हैं, गुड्डू गई है ट्यूशन, और अब हम आ जाएंगे फटाफट। है ईशु, चलो। तो यहाँ ये अब सैटरडे वाले दिन की है शाम की वीडियो, तो मैंने ये ले लिए हैं, होई बोलते हैं हमारे यहाँ पे इनको, तो ये बर्तन होते हैं, ये ले लिए मैंने अपने भी और इंदु के भी। पहले मैंने इंदु से फ़ोन करके पूछ लिया था, मैं कभी वो आई हो लेगी हो या मंगा लिया हो, तो वो कहने लगी नहीं मैंने नहीं लिए, मैंने ले लिए। और यहाँ मैंने भैया को दे रही हूँ, मैं आप जाओगे लेते जाना। और यहाँ पे बस मैं वही लगा रही हूँ, सारे मिक्स करके ले आई थी ना, तो अपने एक थैले में कर दूंगी और एक इंदु के उसमें कर दूंगी। बल्कि फिर मैंने दोनों उधर ही भेज दिए थे, मेरा पहला प्रोग्राम बना था हमारा कि हम उधर ही जाके करेंगे इस बार,
जो ये अष्टमी, तो मैंने सोचा सुबह फिर जाएंगे, ज्यादा सामान हो जाता है, मतलब भैया अकेले ही जाएंगे, ईशु गई जाएगी इनके साथ, तो वो बैठ के आराम से लेती जाएगी। तो ये मैंने पैक करके रख दिया है यहाँ पे, और ये लेते जाएंगे, यहाँ पे अपने काम में लगे हुए हैं ये। और मैं पूछने आई थी, मैंने कहा मेरी साड़ी है, साड़ी तैयार होगी क्या, वो मुझे कल पहननी, तो ये कहने लगे नहीं करने लग रहे। और यहाँ पे देखिए, आज मुझे अपनी फ्रेंड मिल गई है, काफी दिन बाद मिली है। ये भैया की शॉप पे ही आते हैं, बहुत पहले से हमें जानते हैं, जब से हम पिंजौर आए हैं, और बहुत अच्छी आदत की है ये। तो ये कह रही, अब मैं कई साल बाद लगभग इन्हें मिली होंगी, क्योंकि दुकान पे ही मिलते हैं, घर तो इतना मिलते नहीं। और अभी इन्होंने शायद कुछ फंक्शन भी करा था पीछे से, इंदू गई थी इनके यहाँ पे, मैं नहीं जा पाई थी, तो वो ही कह रही कि मैं तूने पहचान ली क्या, मैं कहा और पहचानेंगे नहीं, जब एक बार किसी आदमी से मिल लेते हैं, अच्छे से बात कर लेते हैं, तो उसे तो भूलना नामुमकिन। और बहुत अच्छी है ये दीदी, और बस ऐसे ही हमारे बातें चल रही है ठीक ठाक की। तो फिर ये भी कपड़े देने आई होंगी, तो वो ही बता रही कि मुझे कि ये नीरज सिलता नहीं हमारे कपड़े। मैं कहा दीदी आपके क्या, हमारे भी ऐसे ही, मगर मैं भी कपड़े लेने आ रही। तो वो ही हंसी मजाक चल रही है यहाँ पे सबकी, मगर अपनों का तो ऐसा ही हुआ है। और फिर कह रही कि मुझे तो यू कह देता है, आप टेंशन ना लो, अपनों का तो टाइम पर टाइम आपको मिल जाएगा, अपनों का यही तो फायदा। मैं कहा हाँ यही होता है मेरे साथ भी। तो फिर हम आ गए थे, बर्तन वगैरह लेके आके मैंने खाना खुना बनाया, सारा काम कर लिया। और आज देखिए मैंने अपना काम बहुत बड़ा पकड़ लिया, ये आप देख सके, ये क्या काम है, चूड़ियों का। ये मेरी चूड़ियां बहुत दिन से ऐसे ही फैली पड़ी थी, सारी मिक्स हो रही थी, जैसा पहनू थी फिर डब्बे में तो धर दू थी, लेकिन उन्हें लगा के नहीं मैं रख रही थी। काफी दिन हो गए मैं इन्हें सोच रही थी कि लगाऊंगी लगाऊंगी, और अभी भी मैंने किस कारण ये निकाले वो आपको बताऊं। जो मैं साड़ी कल पहनने वाली, उस कलर की मेरे माइंड में था कि मेरे पास है चूड़ी, तो मैं वो ही पहन लूंगी। तो उनको ढूंढने के चक्कर में मैंने ये सारी निकाल लिया चूड़ी, सारे डब्बे, और चूड़ी देखे क्या काफी सारी है मेरे पास। असल में साड़ी जब भी मैं लेती हूँ तभी मैं चूड़ी लेती हूँ, और मेरे मायके से जब भी कोई ड्रेस आती है, जैसा भैया दोज है, तो मम्मी जो भी कपड़े देती है उनके साथ, चाहे सूट हो चाहे साड़ी हो, तो वहां से भी हमेशा मेरी चूड़ी आती है। हमारे यहाँ चूड़ियाँ जरूर देते हैं, तो काफी सारी चूड़ियाँ घर की भी हैं और मेरी खरीदी हुई भी। जो भी मैं चूड़ी, ये क्या बोलते हैं, साड़ी वगैरह लेती हूँ, तभी उनके साथ मैं चूड़ी जरूर लेती हूँ। मुझे चूड़ियों का शौक है, पहनू ना पहनू, लेकिन लेने का। साड़ी के ऊपर तो मैं खैर पहनती हूँ, अच्छे लगते हैं, तो मैंने सोचा चलो आज इनको भी सही से सेट करके रख दूँ। लग तो गई, मैं फैला तो मैंने दिया, और जो चूड़ी मुझे पहननी थी वो मुझे मिली नहीं, बाकी सारी मिल गई। एक उस कलर की मिली भी, लेकिन वो थोड़ी पहनी हुई थी, तो मैं सोच रही थी कि नहीं है मेरे पास। और वो जब सारी चूड़ी मैंने सेट कर दी, और फिर से दोबारा मैं उसमें अपने अलमारी में इनको लगाने लगी, तब मुझे वो जाके वो डब्बी मिली। फिर मैंने देखी वो, जैसा सारी चूड़ी निकाल ली ना, वो डब्बी जब भी मेरी अंदर ही रहेगी, ऐसा होता है कभी कभी। तो यहाँ पे सारी चूड़ी मैंने एक एक कलर की एक जगह लगा दी। फिर ये है कि जब पहनो तो सेट बना के आराम से पहन लो। और इतना ज्यादा कुछ बड़ा मेरे पास इनका डब्बा रखने का भी नहीं है। मैं सोच रही वो जो बैंगल बॉक्स बड़े वाला आता है, वो मैं लेके आऊंगी। अभी तो मैं इन्हें डब्बों में रख देती हूँ। एक ये बैंगल बॉक्स है, आप देख रहे होंगे, एक पड़ा, ये मेरी शादी का है, 15-16 साल हो गए, ये भी ऐसा ही हो रहा बेचारा, काम चलाओ इसको। तो जब भी मैं कहीं आती जाती हूँ तब लेके जाती हूँ, लेकिन इनमें ना सेफ रहती है चूड़िया, ये बात है, तो लेके आऊंगी धीरे धीरे, सोच रही हूँ। तो यहाँ पे बस अब सारी चूड़ियाँ लगा के सेट कर दूंगी, और फिर इनको लगा दूंगी अलमीरा में। उसके बाद फिर मैंने अपनी वो चूड़ी जो मिल गई थी उसका भी सेट लगा के तैयार कर दिया। मैं कहा सुबह को अपना इतना ज्यादा मुझे भाग दौड़ नहीं करनी पड़ने की, पहले ही कर लो ना काफी सारा, मतलब काम तो उससे बहुत कम, काम कम हो जाता है। तो यहाँ देखिए हो गई है सारी सेटिंग। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज है 5 तारीख और 9:10 होगी, और आप सभी को वही अष्टमी की बहुत बहुत बधाई। जो ये एक त्यौहार ऐसा है जो बच्चों के लिए रखते हैं, ज़्यादातर उसकी मम्मी रखे हैं बच्चों की, तो आप सभी को वही अष्टमी की बहुत बहुत बधाई। और आंसू लग रही है, अपने रसोई में वही है, किसका बड़ा ऑफिस भाई, लेडीज भाई, कोई भी वीडियो ऐसी नहीं जिसमें यो रसोई दिखाती हो क्योंकि काम आधे से ज्यादा काम ही रसोई का है।
नमस्कार जी। तो जी आपको सबसे पहले होली अष्टमी की बहुत बहुत बधाई। ये दिन हमारे सबके जीवन में ऐसे ही उम्र भर बना रहे, सबके बच्चे खुश रहे, सुख शांति रहे, बच्चे सबके कामयाब हो, यही दुआ करती हूँ मैं इस व्रत। सब मेरे हिसाब से सभी माएँ रहती हैं आज के दिन व्रत, और सबका अपना अपना करने का तरीका अलग ही होता है। और जैसे मैं अपना बताऊं, हमारे यहाँ पे ज्यादातर मतलब लड़कों के लिए व्रत रखा जाता था पहले, तो मतलब जिसके लड़के होते थे, लेकिन आज के टाइम में तो अधिकतर सभी रहते हैं, जिसके लड़के हैं लड़कियां हैं सब रहते हैं। मैं भी पहले नहीं रहती थी, जब से मुझे लगे कृष्णा के होने से एक साल पहले, मेरा छठा व्रत है शायद ये, तो 6 साल हो गए मुझे रहते हुए, पहले नहीं रहती थी। बस ऐसे ही जब गांव में रहते तो सबकी यही थी कि लड़का होना चाहिए तभी व्रत रहते हैं, लेकिन फिर मुझे मेरी सास ने ही स्पेशल फोन करके बोला कि नहीं रह कर तू व्रत और सब रहते हैं, तो जब से मैं रहती हूँ। और जब मैंने व्रत रखना शुरू करा उसी के बाद कृष्णा और शिवांश हुए हैं हमारे घर में। और देखो ये तो बच्चों का है, लड़का और लड़की है तो अपनी सोच के ऊपर डिपेंड है कि हम कितना फर्क कर रहे हैं। मैं मेरे हिसाब से तो बच्चों के लिए है, और ये व्रत बच्चों की माँ बच्चों के लिए ही रखती है, और बहुत अच्छा मतलब खुशी मिलती है अपने बच्चों के लिए करके। बस मैं तो यही कहूँ कि सबके जीवन में ये पल आए, खुशियों भरा, सबको ये सुख मिले और सबके बच्चे कामयाब हो। क्या बना दिया? बना रही बस। मैं बाट देख रहा हूँ, मैं पता लगा क्या बनाया। दूध कर दिया, रोटी सेक रही, और क्या बनाऊ, अचार तो खा लियो, आज नहीं कुछ बनाया। बस ठीक है, तो दूध अचार तो मेरा फेवरेट है। और कन्हैया पता नहीं किस टाइम तक आवेगा। कन्हैया गया था सुबह ही मणिमाजरा, कुछ दुकान का काम था। अंबाला है मणिमाजरा? नहीं, मणिमाजरा गया। अच्छा, और वो आ जाएगा लगभग 10-11 बजे तक आवेगा। फिर उसका भी बना दूं नाश्ता? हाँ, उसका नाश्ता बना के रख दे। कुछ खा पी का भी नहीं गया। हाँ, मुझे भी पता होता जाकर मैं सुबह जल्दी उठ कर बना भी, वो जल्दी निकल गया था। ऐसा तो सुबह ही खाया भी नहीं जाता जाकर इतनी जल्दी। तो यीशु तो आज डर गई हुई है, और गुड्डूगढ़ इसके पापा ही हैं दोनों, कन्हैया वहां गया मनी माजरा है, और बस इन दोनों के लिए ही बनाना मुझे अभी नाश्ता। मैं कहा चल पहले नाश्ता बना दूं, अभी तो काम ऐसे ही पड़ा, सारा काम करूंगी फिर उसके बाद तैयार होंगी। फिर उधर से इंदुअर भी आ जाएंगे, तो उनका भी वेट करूंगी कब तक आएंगे। बस फिर वही जैसे हमने करवा चौथ एक साथ बनाया था, ऐसे ही हम होली भी बनाएंगे, यही आ जाएगी वो। तो इशू भी उधर ही है, सारे इकट्ठे होकर आऊंगे।